तो हमने सॉर्ट और मूव इस पिवट टेबल में पिछले टॉपिक में किया। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप के बारे में कि हम कैसे ग्रुप करेंगे। अब ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मेरे डेटा में देखिए सिटी वाइज डेटा है, राइट? तो इसमें नोएडा, दिल्ली और जिजीर मतलब गुड़गांव, तो मुझे क्या करना है कि इन तीनों को इकट्ठा टोटल चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो है दिल्ली एनसीआर में, ये तीनों कहाँ है? दिल्ली एनसीआर में। तो मुझे यहाँ इन तीनों का टोटल इकट्ठा चाहिए। और डेटा के अंदर हम इस तरह के चेंजिंग नहीं करना चाहते हैं, समझ गए? डेटा के अंदर हम चेंजिंग नहीं करना चाहते, तो कुछ नहीं कीजिए, आप कंट्रोल को होल्ड रखिए और आप पहले वाले सॉरी इस पे कर्सर रखिए, कंट्रोल होल्ड कीजिए और अपने जो भी आपका सिटी है उसको सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और इसी में कीजिए ग्रुप, ग्रुप को क्लिक कीजिए, ये आपका ग्रुप वन हो गया और यहाँ पे सिटी और सिटी टू आ गया। तो सिटी टू जो है उसको रहने दीजिए और सिटी को रिमूव कर दीजिए। अब इस ग्रुप वन को हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे रिनेम। हम इसको रिनेम कर सकते हैं दिल्ली एंड एनसीआर, ठीक है, दिल्ली एंड एनसीआर। ठीक है, ठीक है। एक ग्रुप होके आ गया और यहां पे टोटल लिख दिए। तो क्या ऐसे कॉलम को भी ग्रुप किया जा सकता है? ऑफ कोर्स। अब मान लीजिए इसमें मुझे विकास है, देव है और पूजा है, हम तीनों को सिलेक्ट किए, राइट क्लिक ग्रुप, ये देखिए ग्रुप वन आ गया और नेम, और नेम टू यहां दिख रहा है आपको, तो नेम को हटा दीजिए, नेम टू को रहने दीजिए, और जो एक ग्रुप है इसके जगह पे आप क्या कर दीजिए, मैं यहां पे कर देता हूं इन हाउस, या जो भी लिखना चाहते हो आप यहां लिख सकते हो। ओके, समझ गए? ठीक आगे बढ़े इसमें जी, आगे बढ़े।